आज हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल्स। क्यूबिक क्रिस्टल्स, क्यूबिक क्रिस्टल में हम कहते हैं यूनिट सेल इन ए क्यूब आर कार्ड क्यूबिक क्रिस्टल। जैसे हम देखते हैं, ये कहता है क्यूबिक क्रिस्टल इज ए क्रिस्टल सिस्टम इन विच यूनिट सेल इज ए क्यूब इज कार्ड क्यूबिक क्रिस्टल। दीज आर थ्री टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल्स। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हम कहते हैं द यूनिट सेल हैज एटम्स ओनली एट द कॉर्नर्स आर कॉल्ड सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स। जैसे एग्जांपल लोगे सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड एसेट्रा। फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल हम कहते हैं कि जहाँ पर एटम कॉर्नर्स के साथ साथ इस फेस पे हो, तो इन दिस स्ट्रक्चर एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इज कॉल्ड फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल्स। एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, निकेल एंड प्लेटिनम एसेट्रा। बॉडी सेंटर क्यूबिक में हम कहते हैं कि एटम जो है कॉर्नर पे साथ साथ एक सेंटर में एटम होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। जैसे कहता है इन दिस स्ट्रक्चर एन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट सेल इन एडिशन टू द एटम लाइंग एट द कॉर्नर्स। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास सोडियम, टंगस्टन, पोटासियम एंड मोलिब्डेनियम इज एसेट्रा। जैसे ये सेक्टर हमने दिखा रखे, हमने बोला था सिंपल क्यूबिक में एटम कॉर्नर्स भी होते हैं, फेस बॉडी सेंटर क्यूबिक हमारे पास कॉर्नर के साथ साथ सेंटर भी होते हैं, और फेस सेंटर क्यूबिक हम कहते हैं कि कॉर्नर के साथ साथ ही फेस भी होते हैं। तो ये हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। सबसे फर्स्ट हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन ए क्यूब। क्यूब में हम कहते हैं जैसे जो हमारे पास एज होती है वो तीनों बराबर होती है, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल होता है हमारे पास ए क्यूब। नेक्स्ट हम कहते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स। ये कहता है कि हमारे पास जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की, यदि हम कॉर्नर की बात करें, जो कॉर्नर पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/8 होगा। एज होती है हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, और जो फेस होता है उस पर हमारे पास कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कहते हैं एटम हमारे पास ओनली कॉर्नर्स भी होते हैं, तो हमारे पास 8 कॉर्नर्स हो गए, तो हम कहते हैं 8 × 1/8 इट्स इक्वल टू 1। तो हमारे पास सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है 1। नेक्स्ट बॉडी सेंटर क्यूबिक में हम कहते हैं कॉर्नर्स पे 1/8 होता है, एक हमारे पास सेंटर पे होता है, तो 1 + 1 = 2। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम पर BCC यूनिट सेल इज 8 × 1/8 प्लस में 1, जो 1 है वो एक सेंटर का एटम है, तो हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ एटम्स 2। थर्ड हम बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक की। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स का 1/8 × 8 प्लस में हमारे पास 6 फेस होते हैं, तो 6 का जो फेस होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो 6 × 1/2 हमारे पास कितने हो जाएंगे 3, 3 + 1 = 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितनी हो गई इसमें 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर में कहता है कि सेंटर के एटम के साथ ये कितने और एटम्स के साथ अटैच हो, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कहता है कि जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका कहता है 6। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक की। बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या कहता है, हमारे पास 8 नियरेस्ट नेबर एटम्स होते हैं, तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा 8। ये कहता है कि रिप्रेजेंटेड एज 1 एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड 1 एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो ईच एटम हैज़ 8 नियरेस्ट नेबर, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। नेक्स्ट जो फेस सेंटर क्यूबिक होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास 12। इसमें कहता है हमारे पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं और 4 नियरेस्ट नेबर एटम्स होते हैं ईच ऑफ दी 3 प्लेन्स, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटोमिक रेडियस की। एटोमिक रेडियस में कहता है द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन ए क्रिस्टल्स ऑफ ए प्योर एलिमेंट। तो इसमें कहते हैं जैसे इसने बोला है कि सिंपल क्यूबिक होता है, जैसे इसमें जो ए है वो लेटिस कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, आर हमारे पास एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जो एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, जो सिंपल क्यूबिक एटॉमिक रेडियस होती है आर इक्वल टू ए बाई टू। बॉडी सेंटर
क्यूबिक में हमारे पास होती है आर इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए, और फेस सेंटर क्यूबिक में हमारे पास होती है आर इक्वल टू ए अपॉन में टू रूट टू। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की। ये कहते हैं कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने पढ़ चुके हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला हो जाएगा कि जैसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल एन इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। एन जो है हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सिंपली क्यूबिक में एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वन, फोर बाई थ्री इंटू पाई, आर की वैल्यू हमारे पास सिंपली में भी हम पढ़ के आए हैं वो हमारे पास क्या होती है ए बाई टू। हम उसका क्यूब कर लेंगे अब उनमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक क्यूब होता है, ये कटने के बाद हमारे पास आ जाएगा 52%। ये जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है सिंपली 52% होता है, इसलिए हम कहते हैं सिंपल क्यूब होता है वो लूजली बाउंड होता है। नेक्स्ट जब हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक की, बॉडी सेंटर क्यूबिक में हम कहते हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं टू, तो एन की वैल्यू हो जाएगी टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रूट थ्री बाई फोर ए, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास होता है 68% आता है हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन बॉडी सेंटर क्यूबिक का। नेक्स्ट फेस सेंटर क्यूबिक की हम बात करते हैं कि जो इसमें भी हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला था एन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब। अब हम देखते हैं जैसे एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे फोर, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एफ सी सी हमें कितने निकाले थे फोर, ये जगह फोर फोर बाई थ्री पाई, आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है रूट टू बाई फोर ए, तो उसका हम क्यूब कर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 74%। तो ये हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स की। डेंसिटी होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें कहता है कि हम इसमें कहते हैं मास ऑफ यूनिट सेल आप उनमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने फाइंड आउट कर रखा है वो हमारे पास क्या होता है ए क्यूब, ठीक है, या हम सिंपल कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम पढ़ के आए हैं ए क्यूब भी क्या होता है ए क्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास ऑफ यूनिट सेल हमारे पास क्या हो जाएगा जेड एम अपॉन में एन ए। जेड हमारे पास होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, और एम हमारे पास होता है मॉलिकुलर मास, एन ए होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। तो अब हम से पुट करेंगे मास ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू आएगी जेड एम अपॉन में एन ए, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में निकालना था ए क्यूब। तो ये हमारे पास होता है डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल्स। ये हमारे पास छह करेक्टरिस्टिक्स थी क्यूबिक क्रिस्टल्स की। थैंक यू।